आखिर क्यों इस देश में मोबाइल फोन और लैपटॉप खराब होने पर आम लोगों को पैसे देती है सरकार? और आज आप भारत के एक ऐसे गांव के बारे में जानेंगे जहां भगवान की नहीं बल्कि राक्षस की पूजा होती है। नीदरलैंड के लोग क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं क्रेडिट कार्ड, वजह जानकर हैरान रह जाएंगे आप। और किस देश में सरकारी नौकरी पाने के लिए पतली कमर होना है अनिवार्य, इन सभी अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। फैक्ट नंबर वन, भारत में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं जो अपने अपने भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में खोपा गांव के लोग भगवान की नहीं बल्कि बकासुर नाम के एक दानव की पूजा करते हैं। खोपा गांव के लोगों का मानना है कि दानव बकासुर सभी की मन्नत पूरी करते हैं, जिसकी वजह से स्थानीय लोग बकासुर को अपने गाँव का देवता मानते हैं। बताया जाता है कि प्राचीन काल में बकासुर नाम का दानव खोपा गांव के पास नदी के किनारे अपने परिवार के साथ रहता था। तभी उसकी मुलाकात खोपा गांव के बैगा जाति के लोगों से हुई और उनके कहने पर बकासुर गांव के बाहर रहने लगा था। इसके बाद धीरे धीरे गांव के लोग बकासुर की पूजा करने लगे थे, जिसमें बैगा जाति के लोगों की संख्या सबसे ज्यादा थी। तब से लेकर अब तक इस गांव के लोग बकासुर की पूजा करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि बकासुर उनकी सभी मन्नतों को पूरा करते हैं। इसलिए स्थानीय लोग नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर मन्नत मांगते हैं, जबकि बकासुर को बकरे और शराब का चढ़ावा चढ़ाया जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बकासुर की पूजा खुले में होती है, जिसके लिए आज तक कोई मंदिर नहीं बनाया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बकासुर ने खुद अपना मंदिर बनवाने से इनकार किया था, क्योंकि वो चार दीवारी में कैद नहीं होना चाहते थे और स्वतंत्र रहना चाहते थे। लिहाजा गांव के लोग खुले में उसी स्थान पर पूजा करते हैं जहां सैकड़ों साल पहले बकासुर अपने परिवार के साथ रहते थे। फैक्ट नंबर टू, आज के आधुनिक दौर में लोगों की जरूरतें बढ़ती जा रही हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए वो रिश्तेदारों, दोस्तों और बैंक से पैसे उधार लेते हैं। वहीं बैंक की तरफ से क्रेडिट कार्ड के जरिए ग्राहकों को उधार दिया जाता है, जिसका बिल बाद में ग्राहक को भरना पड़ता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि नीदरलैंड के लोग उधार लेने से इतना परहेज करते हैं कि यहां क्रेडिट कार्ड का यूज करने वाले लोगों की संख्या बेहद कम है। नीदरलैंड के लोगों का मानना है कि उधार या कर्ज लेकर अपनी जरूरतों को पूरा करना बहुत गलत है, जिसकी वजह से इंसान पाप का भागीदार बन जाता है। यही वजह है कि इस देश में ज्यादातर लोग डेबिट कार्ड का यूज करते हैं और क्रेडिट कार्ड से परहेज करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि क्रेडिट कार्ड पैसे उधार लेने को बढ़ावा देता है। इतना ही नहीं, नीदरलैंड के लोग पैसों की बचत करने में काफी ज्यादा यकीन रखते हैं, जिसकी वजह से वो कपड़ों, महंगे लाइफस्टाइल और गैर जरूरी चीजों पर पैसे खर्च नहीं करते हैं। यहाँ हर तरह की खरीदारी कैश की जगह पर डेबिट कार्ड के जरिए की जाती है, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि नीदरलैंड के लोग पहले पैसों की बचत करते हैं और फिर उन पैसों से अपनी जरूरत का सामान खरीदते हैं। नीदरलैंड में प्राचीन समय से ही कर्ज या उधार लेना गलत माना जाता है, और अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे समाज में मान सम्मान नहीं दिया जाता है। यही वजह है कि नीदरलैंड घूमने के लिए जाने वाले ज्यादातर पर्यटकों को शॉपिंग के दौरान क्रेडिट कार्ड का यूज करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ अन्य देशों के क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट नहीं किए जाते हैं। फैक्ट नंबर थ्री, धरती पर पेड़ और जंगलों का महत्व किसी से छिपा नहीं है, जो इंसान को ऑक्सीजन देने के साथ साथ लकड़ी और फल भी देते हैं। दुनिया भर में पेड़ों की कई विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ बहुत ही पुराने और लंबे समय तक जिंदा रहने वाले पेड़ भी होते हैं। इस तरह के पुराने और बुजुर्ग पेड़ों को जापान में आस्था से जोड़कर देखा जाता है, जिसकी वजह से जापानी लोग बारिश के लिए इन पेड़ों की पूजा करते हैं। जापान के लोगों का मानना है कि बुजुर्ग पेड़ का पृथ्वी और लोगों के जीवन पर गहरा असर पड़ता है, जिससे न सिर्फ आसपास हरियाली होती है बल्कि मौसम में भी परिवर्तन आता है। जब जापान में बारिश नहीं होती है तो यहाँ के लोग पुराने पेड़ की पूजा करना शुरू कर देते हैं। बारिश होने से धान की फसल अच्छी होती है, और जापान के लोगों का मानना है कि अगर धान की फसल खराब हो जाए तो इसका बुरा असर इंसान के जीवन पर पड़ता है। इसके अलावा पुराने पेड़ किसी भी जगह के तापमान को ठंडा रखने में अहम भूमिका निभाते हैं, जिसकी वजह से जापान में प्राचीन पेड़ों की कटाई नहीं की जाती है, बल्कि उन्हें संरक्षित रखने के नए नए तरीकों पर काम किया जाता है। फैक्ट नंबर फोर, अक्सर जब इंसान थका हुआ होता है तो उसे बिस्तर पर लेटते ही नींद आ जाती है, लेकिन वहीं अगर कोई इंसान जरूरत से ज्यादा काम कर ले और उसे ज्यादा थकान हो जाए तो उस स्थिति में नींद आना मुश्किल हो जाता है और शरीर तनावग्रस्त महसूस करता है। दरअसल जब कोई इंसान बहुत ज्यादा थक जाता है तो उसका दिमाग ज्यादा उत्तेजित अवस्था में पहुंच जाता है, और इस स्थिति में दिमाग बहुत ज्यादा अलर्ट हो जाता है,
जिसकी वजह से शरीर को आराम करने का मौका नहीं मिल पाता है और उसकी वजह से इंसान को नींद नहीं आती है। दिमाग और शरीर के बीच तालमेल ना होने की वजह से इंसान स्ट्रेस महसूस करने लगता है, जबकि नींद पूरी ना होने की वजह से सिर में तेज दर्द होता है। अगर आप भी ज्यादा थक जाने की स्थिति में सो नहीं पाते हैं, तो इसका असर आपके मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। इससे बचने के लिए हल्का संगीत सुन सकते हैं या फिर अपनी मन की बातों को डायरी में लिखना शुरू कर दीजिए, जिससे दिमाग हाई अलर्ट से सामान्य स्थिति में आ जाता है और इससे नींद आने में हेल्प मिलती है। फैक्ट नंबर 5, कहते हैं दुनिया में प्यार सबसे खूबसूरत एहसास होता है जो इंसान को ढेर सारी खुशियाँ देता है, लेकिन कभी कभी इंसान प्यार में सारी हदें पार कर देता है, जिससे जुड़ा एक भयानक मामला अमेरिका के फ्लोरिडा से सामने आया है। दरअसल फ्लोरिडा में डॉक्टर कार्ल टेंजलर नाम का एक शख्स रहता था, जिसे डॉक्टर डेथ के नाम से भी जाना जाता है। इस डॉक्टर के ऊपर आरोप था कि उसने एक यंग लड़की की डेड बॉडी को कब्र से चोरी कर लिया था और उसे जिंदा करने की कोशिश करने लगा, क्योंकि डॉक्टर को उस लड़की से प्यार हो गया था। उस मृत लड़की का नाम मारिया एलेना था, जिससे डॉक्टर की पहली मुलाकात हॉस्पिटल में इलाज के दौरान हुई थी। डॉक्टर डेथ को मन ही मन मारिया से प्यार हो गया था, लेकिन जब मारिया की मौत हो गई तो उसने उसकी डेड बॉडी को चोरी कर लिया और उसके साथ अपने घर में रहने लगा। इस तरह लगभग 7 साल का वक्त गुजर गया था, लेकिन एक दिन मारिया की बहन को उसकी लाश गायब होने का पता चला और फिर कानूनी कार्रवाई के दौरान डॉक्टर के घर से मारिया की लाश को बरामद किया गया था। लेकिन इन सब के बावजूद भी डॉक्टर को उसके अपराध के लिए सजा नहीं मिली थी, क्योंकि उस वक्त इस तरह के अपराध के लिए कोई सजा या नियम कानून नहीं बनाया गया था और इस वजह से डॉक्टर डेथ जेल जाने से बच गया था। फैक्ट नंबर 6, भारत समेत दुनिया भर में शादी को लेकर अलग अलग रीति रिवाज फॉलो किए जाते हैं, जिनमें से कुछ रस्में बहुत ही अटपटी और हजम ना होने वाली होती हैं। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर, झाबुआ और शहडोल जैसे जिलों में रहने वाले आदिवासी समाज के लोग भगोरिया हाट का आयोजन करते हैं, जिसे होली से 7 दिन पहले बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस त्योहार के दौरान युवा लड़के और लड़कियां एक दूसरे को पसंद करते हैं, जिसमें से अगर किसी लड़की को लड़का पसंद आता है तो वो दोनों एक दूसरे को रंग लगाते हैं और फिर पान खाते हैं। इसके बाद लड़का अपनी मनपसंद लड़की को लेकर वहां से भाग जाता है, जिसके बाद दोनों के परिवार वाले उनकी शादी करवा देते हैं। वहीं अगर लड़की को लड़के का प्रस्ताव स्वीकार नहीं होता है तो वो उसे चेहरे पर रंग लगाकर आगे बढ़ जाती है और पान नहीं खाती है। इन आदिवासी समुदायों में प्राचीन काल से ही अपनी पसंद की शादी करने का रिवाज है, क्योंकि भील समुदाय के लोगों का मानना है कि उनके राजा ने भी अपनी पसंद की लड़की से भागकर शादी की थी और इसी वजह से यहाँ के लोग इस प्रथा को सदियों से निभा रहे हैं। फैक्ट नंबर 7, इन दिनों सोशल मीडिया पर पतली कमरिया वाला सॉन्ग काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, जिसमें बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हर कोई कमर दिखाकर नाचते हुए वीडियो बना रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पश्चिमी अफ्रीका में बेनिन नाम के देश में पतली कमर वाले लोगों को सरकारी नौकरी ऑफर की जा रही है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस देश में अगर कोई नागरिक सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहता है तो उसकी कमर पतली होना अनिवार्य है। दरअसल बेनिन देश की सरकार का मानना है कि इस नियम की वजह से युवा पीढ़ी अपनी सेहत का खास ख्याल रखेगी, जिससे उन्हें मोटापे से बचाया जा सकता है और वो लंबे समय तक फिट और हेल्दी रहेंगे। यही वजह है कि इस देश में युवा नागरिक सरकारी नौकरी करने के लिए घंटों पढ़ाई करने के साथ साथ जिम में पसीना भी बहाते हैं। फैक्ट नंबर 8, आमतौर पर जब किसी इंसान का मोबाइल फोन या लैपटॉप खराब हो जाता है तो उसे ठीक करवाने के लिए हमें अपनी जेब से पैसे भरने पड़ते हैं। कुछ लोग पुरानी चीज पर पैसे लगाने के बजाय नया फोन और लैपटॉप खरीद लेते हैं, जिसकी वजह से पुराने इलेक्ट्रिक आइटम को कचरे में फेंक दिया जाता है। लेकिन फ्रांस दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां इलेक्ट्रिक गैजेट्स के खराब हो जाने पर उन्हें रिपेयर करवाने के लिए सरकार की तरफ से आम नागरिकों को पैसे दिए जाते हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। फ्रांस में मोबाइल फोन खराब होने पर सरकार की तरफ से 2000 और लैपटॉप खराब होने पर 4000 रुपए दिए जाते हैं। दरअसल फ्रांस सरकार इन दिनों लो इलेक्ट्रिक वेस्ट की मुहिम को जोर दे रही है, जिसके तहत ये कोशिश की जा रही है कि इलेक्ट्रिक आइटम्स के वेस्ट को कम से कम किया जा सके। इस मुहिम से आम लोगों को जोड़ने के लिए सरकार इलेक्ट्रिक आइटम्स को रिपेयर करने के लिए
पैसे दे रही है ताकि लोग मोबाइल फोन या लैपटॉप खराब होने की सिचुएशन में उन्हें कचरे में ना फेंके। ऐसा करने से न सिर्फ फ्रांस बल्कि समुद्र में बढ़ते इलेक्ट्रिक कचरे में कमी आएगी, जो कैंसर समेत कई तरह की खतरनाक बीमारियां फैलाने के लिए जिम्मेदार होता है, और इस कचरे की वजह से जलीय जीवों की कई प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर भी पहुंच गई हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।